हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, मैंने अपने पिछले वीडियो में मेल मर्ज के बारे में आपको जानकारी दी थी। मेल मर्ज मैं के लिए मैंने लेटर ऑप्शन सेलेक्ट किया था और आपको मीनू से उसका यूज़ करके कैसे डेटा को मर्ज कर हमें डिफरेंट एड्रेस के लिए एक सिंगल एफर्ट में कई लेटर्स तैयार करने का मेथड आपको मैंने मेल मर्ज के थ्रू बताया था। आज मैं आपको एनविलप ऑप्शन सेलेक्ट करके बताऊंगा। आप एनविलप, जिससे आप सपोज करिए कि मार्केट से आपने जो जिस भी साइज का एनविलप खरीद के लाया है, और जिसे आप हिंदी में लिफाफा कहते हो, लिफाफा आपने खरीद के लाया और लिफाफे पे आप जो है डिफरेंट एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हो प्रिंटर से। दोस्तों, इसमें आपको कागज इंटर नहीं करना है प्रिंटर पे, प्रिंटर के अंदर आपको लिफाफे एंटर करने हैं। जो जो लिफाफा आप जिस साइज का खरीद लें, वो साइज आपको मालूम होनी चाहिए और कहाँ पे किस आपको जो है अपना एड्रेस, जिसे कहते हैं ना, किसी लिफाफे में आप लिखते हो तो फ्रॉम, आप कहाँ कौन भेज रहा है, टू किसको भेज रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है लिफाफे की साइज पता होनी चाहिए जिस साइड पर वो मैटर प्रिंट होगा। तो मैं आज आपको दो तरीके से इसको बताता हूँ। पहला, अभी तक मैं आपको इस पेन के में दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो पॉइंटर देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको सारा मेल मर्ज के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टूल्स बॉक्स का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ लेटर्स एंड मेलिंग, यहाँ पे देखिए सो मेल मर्ज टूल बार, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक टूल बार यहाँ पे शो होता है। यहां से सबसे पहला ऑप्शन मेन डॉक्यूमेंट सेटअप, इसमें देखिए पहले हमने लेटर्स लिया था, ईमेल मैसेजेस, एनविलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। अब इस समय एनविलप्स को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। जब आप इसे ओके करते हैं तो यहाँ देखिए एनविलप की साइज आपकी क्या है वो पूछता है, और यहाँ पे आप देखिए इंच में इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, यहाँ पे मिलीमीटर में दी हुई है। इसमें आपको जो भी एनविलप, जिस साइज का भी एनविलप आपके पास है और उसके ऊपर मैटर प्रिंट करना है, उसे आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर उस पर किस फॉन्ट का आप जो है फॉर्म या टू किस फॉन्ट में चाहिए आपको, अब इस समय देखिए 12 है, बोल्ड नहीं, रेगुलर सेलेक्ट है, एरियल फॉन्ट नेम से। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप किसी तरीके से सैडो कैप्स इस तरह का कोई ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, आप इस पर अप्लाई करके ओके कर दीजिए। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ और जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में प्रिंट करके आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है, इसका भी फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। दूसरा है फ्रॉम लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड है इससे कितना स्पेस आपको छोड़ना है, और जो टॉप है उससे कितना स्पेस छोड़ना है। इसी तरीके से आपका ये जो एड्रेस है लेफ्ट से कितना छोड़ना है और टॉप से कितना छोड़ना है, ये आपको यहाँ पे या तो आप प्री डिफाइंड यूज़ करें या इसको सेट कर लें। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑटो करके छोड़ देता हूँ, ये ऑटो पहले से जैसा है वैसे ही मैं इस पर सेट, अब इसे ओके कर कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं ये पेज, ये एनविलोप साइज का हो गया, जो मैंने साइज सेलेक्ट किया है उस साइज का ये पेज दिखा रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये टू के लिए है, फ्रॉम के लिए है, और जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बॉक्स दिखा रहा है ये टू के लिए, यानी किसे भेजना है। अब मैंने यहाँ पे फ्रॉम टाइप कर दिया, और इस बॉक्स में जाकर ये टू टाइप कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था डेटा कैसे आप इंसर्ट करते हो, आपने ये तीन डेटा यहां पे सेव करके रखा हुआ है। फ्रॉम ऑप्शन वो तो सेम टू सेम रहेगा, वो आपको हैंड रिटन लिख सकते हैं। टू पे जो ऑप्शन आएगा जिसे हमें भेजना है, सिर्फ उसका एड्रेस बार बार चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये एड्रेस बुक है,
पहले से मेंटेन है, और एक ये ऑप्शन है कि अगर आपने, मैंने वन टू माई एंट्री न्यू एंट्री अलग अलग डेटा यहाँ पे पहले से सेव किया था, जैसे यहाँ पे माई एंट्री ये अगर ओपन करते हैं ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ जो आपने मेल रिसिपिएंट देखा था अभी देखिए चेंज हो गया। उसमें मैंने कंपनी, एड्रेस, सिटी ये सारे फील्ड भी लिए थे, तो ये सारे फील्ड शो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा उसे जरूर देखें, उसमें मैंने मेल मर्ज को पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकली रूप में से उसकी जानकारी दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी फाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं न्यू एंट्री वाली फाइल को ही ओपन करता हूँ। यहाँ पे इससे कोई इसको छोड़ दीजिए, ये फील्ड आप एंटर कर दीजिए फर्स्ट नेम। लास्ट नेम अगर आप एड्रेस भी एंटर करना चाहते हो तो पहले आप वो डेटा मेंटेन कर दे एडिट पे जाकर, उसके बाद यहाँ पे वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नियर बाई इन तीन फील्ड्स को लेकर आपको मैं क्लियर कर दूँ एनविलॉप के बारे में। एनविलॉप जो है आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो, देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप इसे चाहें तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। मैं टैब बटन का पुश करके इसे और आगे कर देता हूँ जिससे इसका लुक देखने में और अच्छा हो जाए। अभी देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नियर बाई मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब इसमें जो है एक ऑप्शन आता है, देखिए हाईलाइट मर्ज फील्ड है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जितना भी आप यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नियर बाई, इसके अलावा भी अगर आपने कोई डेटा मर्ज करने के लिए रखा है तो वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। अगर यहाँ पे आपने टेक्स्ट अभी अब मैं मर्ज कर दूंगा तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नियर बाई आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये हाईलाइट पे आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे शो करेगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट है। अब यहाँ पे देखिए मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स में, अब इसमें मैं वन से लेकर टू तक ना लेकर पूरे डेटा को, तीन डेटा है और तीनों डेटा को मर्ज करके मैं तीन एनविलॉप तैयार करना चाह रहा हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से दोस्तों एक ही अटेम्प्ट में आप हजारों की संख्या में एनविलॉप चाहे तो तैयार कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं और सिर्फ उसमें आप जो भी लेटर इंसर्ट करके आप उसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सरल तरीका है यहाँ पे मेल मर्ज के थ्रू विभिन्न एड्रेस पे सेम पैटर्न, सेम कंटेंट्स के साथ लेटर तैयार करने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया है, टूल बार्स का इस्तेमाल करके दिखा दिया। इसमें एक ऑप्शन आता है मेल मर्ज टू एडोब पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसा कि ये पूरा पीडीएफ में एक साथ जो है एक पीडीएफ फाइल तैयार हो जाएगी, छह जो आपको जो इसमें दिखा रहा है ये तीन जो डेटा है ये एक पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएंगे, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल आप अलग अलग कर सकते हैं, अब प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो तीन पेज यानी तीन एनविलॉप आपने जैसे प्रिंटर में डाले हैं तो तीन अलग अलग एड्रेस के आपके पास मैटर तैयार हो जाएंगे, लेटर तैयार हो जाएगा, आप उसे सेंड कर सकते हो। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप करना सीख गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ नया आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपको सिस्टम पे नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।